अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। आदर्श कंदोरी एंड फंक्शन हॉल हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह के कमान के करीब दरगाह रोड परभणी, आपके घर की न्यास, कंदोरी, शादी, उत्सव या त्योहार, एक ही ठिकाना आदर्श कंदोरी हॉल। बिजली पानी सभी सुविधाओं से भरपूर, एक बार जरूर विजिट करें। प्रोपराइटर हाजी अमीर, मोबाइल नंबर 9595534374, शेख अक्रम 9868960053, शेख रफीक 9561885855। कम रेट में जो आपके लिए जाते हैं सभी से जो हमारे राष्ट्रीय बाल कामगार प्रकल्प जिला कलेक्टर ऑफिस परभणी यहां के कार्य कर्मचारियों को SSA यानी समग्र शिक्षा अभियान में शामिल कर जिले के बाल कामगारों के भविष्य सुरक्षित करने संबंधी श्रम और रोजगार मंत्रालय भारत सरकार को सिफारिश करने को लेकर आज तारीख 11 अप्रैल 2022 सोमवार के रोज सभी NCLP शिक्षक कर्मचारी एसोसिएशन की ओर से जिला कलेक्टर द्वारा निवेदन दिया गया। इस समय उन शिक्षकों ने क्या कहा, आइए जानते हैं। आज दिनांक 11/4/2022 रोजी आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी महोदय यांना निवेदन सादर केलेलं आहे। त्या निवेदनात असं स्पष्ट आहे की आम्ही राष्ट्रीय बालकामगार विशेष प्रशिक्षण केंद्र याच्यामध्ये जवळपास 2011 काम करत आहोत आणि आता केंद्रानं असं केलेलं आहे की हा राष्ट्रीय बालकामगार प्रकल्प हा सर्व शिक्षण अभियानकडे वर्ग केलेला आहे। सर्व शिक्षण अभियान वर्ग हा की नवीन कर्मचारी भरणार, मग आम्ही जुने कर्मचारी आहेत तर आमचा विचार व्हा याच्यासाठी आम्ही कलेक्टर साहेबाला निवेदन दिलेलं आहे की बाबा या सर्व शिक्षण अभियानमध्ये आमचा विचार पहिले प्राधान्य आम्हाला देण्यात यावं, एवढी आमची मागणी आहे। सबस्क्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आयकॉन, नेवर मिस एन अपडेट। भव्य रंगोली द्वारा सर्वधर्मीय शाहू फुले अंबेडकर जयंती महोत्सव की ओर से अभिवादन, अनोखे कल्पनाओं से क्रांति बा के क्रांतिकारियों को अभिवादन निर्माण करने वाले सभी धर्मीय फुले शाहू अंबेडकर जयंती महोत्सव समिति की ओर से भव्य रंगोली अभिवादन सम्मेलन महात्मा ज्योतिराव फुले इनके पुतले के करीब आज तारीख 11 अप्रैल 2022 सोमवार के रोज संपन्न हुआ। योगिता खंदारे इन्होंने बनाई हुई रंगोली का उद्घाटन महोत्सव समिति के अध्यक्ष सचिन देशमुख, स्वागत अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश शेड़के, प्रमुख अतिथि प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेश सदावर्ते, NY काळे, रिपाई जिल्हा अध्यक्ष विजय गायकवाड, डॉक्टर सुरेश हिवराळे, विश्वनाथ गवारे, प्रेमानंद बनसोडे इनके साथ यशवंत मकरंद, सुनील ढवळे, धनंजय धवाले आदि पदाधिकारी हाजिर थे। पत्तेने महापुरुषांना अभिवादन करण्याचा पायंडा या शहरामध्ये सर्वधर्मीय फुले शाहू आंबेडकर जयंती महोत्सव समितीने निर्माण केलेला आहे। त्या परंपरेनुसारच हे महोत्सव समितीच्या 13व्या वर्षी भव्य रांगोळीद्वारे या ठिकाणी क्रांतिबाच्या क्रांतिकार्याला अभिवादन करून नव्या पिढीमध्ये त्यांचा विचार वारसा जोपासण्याची असलेली आमची कटिबद्धता या निमित्तानं व्यक्त करीत आहोत। परभणीतील रांगोळीची कलाकार योगिता खंदारे हिने अतिशय भव्य अशी रांगोळी इथं क्रांतिबांच्या समोर साकारलेली आहे आणि या रांगोळीच्या माध्यमातून महापुरुषांचा विचार वारसा, त्या विचार वारशाशी असलेली आमची बांधिलकी व्यक्त करीत सर्वधर्मीय फुले शाहू आंबेडकर जयंती महोत्सव समिती आपणाला हार्दिक शुभेच्छा व्यक्त करीत आहे। खुश खबर। डायमंड हॉल दरगाह के बाजू सभी चीजों से दस्तियाब, बड़े और खुशनुमा हॉल, लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग रास्ते, सेपरेट लेडीज हॉल, शादी रिसेप्शन अन्य प्रोग्रामों के लिए एक ही नाम डायमंड हॉल, खास तौर पर रमजान और मुबारक में इफ्तार प्रोग्रामों के लिए फ्री हॉल, जी हाँ फ्री। एड्रेस दरगाह के करीब परभणी। कैटरर्स की सुविधा, शादी, वलीमा, दिगर प्रोग्रामों के लिए एयर कूलर बिछाए, सभी प्रकार के मंडप, स्टेज के डेकोरेशन के लिए सेवा मंडप, लाइट डेकोरेशन, एक बार विजिट करके सेवा का मौका दे। एड्रेस गणेश नगर, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज रोड परभणी, प्रोप्राइटर शेख मुदसिर, मोबाइल नंबर 7380508050 और 8421-8501-36। सांसद फौजिया खान इनके नानखेड़ा निवास स्थान पर दावत इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया। इस समय सामाजिक न्याय मंत्री एवं जिले के पालक मंत्री धनंजय मुंडे, विधायक डॉक्टर राहुल पाटिल, विधायक बाबा जानी दुरानी, विधायक पूर्व विधायक सूर्य दादा देशमुख, पूर्व विधायक डॉक्टर मधुसूदन केंद्र, पूर्व विधायक विजय गवाने, जिला कलेक्टर आचल गोयल मैडम, मनपा आयुक्त देवीदास पवार, सहायक SP अविनाश कुमार, सुभाष दावळे पाटिल, नंदाताई राठौड, महादेवी स्वामी, मैमुना बी आदि के पैमाने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पत्रकार और शहर के प्रतिष्ठित नागरिक मौजूद थे। इस समय पालक मंत्री धनंजय मुंडे का सत्कार सांसद फौजिया खान, अली खान, डॉक्टर अफवान खान आदि ने किया। इस समय पालक मंत्री धनंजय मुंडे इन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। सभी बड़े बुजुर्ग और मेरे नौजवान भाइयों, वैसे
ऐसे इबादत की जगह पे अपनी बात रखना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि हमारे लिए कई ऐसी जगहें होती है जहां हम अपनी बात रख सकते हैं। आज इफ्तारी के समय आपसे रूबरू होने का मौका जिन्होंने दिया, मैडम का सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ। वैसे इबादत हर धर्म में होती है, इबादत करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आज आप जब नमाज पढ़ रहे थे, भले ही इबादत करने का तरीका अलग हो, लेकिन आपके नमाज पढ़ते समय जो रूह बात कर रही थी, उसी समय मेरी रूह भी वही बात कर रही थी, वही इबादत कर रही। केनाल में मिली लाश। परभणी शहर के धार रोड पर रहे केनाल में 30 से 35 साल उम्र के आदमी की लाश तारीख 10 अप्रैल 2022 रविवार के रोज सुबह 9 बजे के दरमियान दिखाई दी। इस मामले में नानलपेट पुलिस थाने में अकस्मात मौत की नोंद की गई है। नानलपेट पुलिस थाने के PSI पद्माकर पाठक, PSI अजीत बिरादार, पुलिसकर्मी येसुरकर राठौड़ इनका पथक पुलिस थाने की हद में गश्त करते समय अनजान व्यक्ति की लाश केनाल में होने की जानकारी मिली। पुलिस ने घटना स्थल पर जब पहुंचकर पंचनामा करते हुए मृत शरीर को हिरासत में लेते हुए इस मृत व्यक्ति के शरीर पर भगवे रंग का टी शर्ट, काले रंग का नाइट पैंट और भगवे रंग का गमछा और एक काले रंग का बैग पाया गया। मृत के पिशानी पर, नाक पर और होठों पर खरोंचे के जख्में दिखाई देती है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए जिला सरकारी अस्पताल में दाखिल किया है। PSI पद्माकर पाठक इनके कहने पर अकस्मात मृत्यु की नोंद की गई है। इस वर्णन के किए हुए लाश की किसी को जानकारी रहने पर नानलपेट पुलिस थाने में संपर्क करने की अपील नानलपेट पुलिस थाने की ओर से की गई है। स्पीड फायर सर्विस, हर किसी की सुरक्षा के लिए, दवाखाना हो या मॉल या अति महत्व की चीजों की सुरक्षा के लिए स्पीड फायर सर्विस तत्पर सेवा में। पता पुराना पेड़गांव रोड, पाटिल हॉस्पिटल, इनायत नगर, परभणी। मोबाइल नंबर 9766307101 या 9860104058। डीजे बजाने की वजह को लेकर पुलिस के साथ धक्का मुक्की, 24 जनों पर अपराध दर्ज। पूर्णा तहसील के पिंपला लोखंडे में तारीख 10 अप्रैल दो रविवार के रोज रामनवमी के अवसर पर पारंपरिक बाजे बजाने के लिए इजाजत रहते हुए DJ क्यों नहीं बजाने दे रहे हो, इस वजह को लेकर पुलिस को धक्का मुक्की की गई। ये घटना रविवार के शाम 7:30 के दरमियान हुई है। इस मामले में कुल 24 जनों पर अपराध दाखिल किया गया है। पुलिस ने 7 को हिरासत में लिया है। API गुलाब बाचेवाड़, इन्होंने तकरार दी है कि तारीख 10 अप्रैल 2022 रविवार के रोज चुड़ावा के API गुलाब बाचेवाड़, PSI प्रकाश पंडित, पुलिसकर्मी सूर्यकांत केजगिर, भारत सावंत, मोहम्मद शारेख और प्रवीण टाक, ये पुलिसकर्मी रामनवमी के अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। रामनवमी में पारंपरिक बाजे बजाने की इजाज़त दी गई थी। अपराधियों ने गैर कानूनी तौर पर लोगों को जमा कर पुलिस को तुम DJ क्यों नहीं बजाने दे रहे हो, इस वजह को लेकर धक्का मुक्की की और सरकारी गाड़ी पर चढ़कर गाड़ी का नुकसान किया। सरकारी काम में बाधाएं निर्माण करने पर निखिल वैजनाथ लोखंडे, आदिनाथ बालाजी लोखंडे, नागेश दत्तराव लोखंडे, नारायण होनाजी पारवे, साईनाथ हनुमंता लोखंडे, मारुति भानुदास लोखंडे, अंगद श्रीपति लोखंडे, पांडुरंग दौलत लोखंडे, विष्णु देवीदास लोखंडे, गणेश संभाजी पारवे, धोंडीराम बालाजी लोखंडे, पप्पू मारुति लोखंडे, गणेश माधव लोखंडे, देवीदास लोखंडे, गोविंद किशन लोखंडे, कैलाश आनंदा लोखंडे, नवनाथ तातेराव लोखंडे, विठ्ठल लिंबाजी लोखंडे, हारजी दौलतराव जाधव, देवीदास निवृत्ति लोखंडे, दत्ता होनाजी पारवे, नारायण होनाजी पारवे, शंकर होनाजी पारवे, DJ चलाने वाले भुजंग नरहरी कुसड़े और अन्य 5 से 10 जनों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। आगे की जांच PSI पंडित कर रहे हैं। हमारा न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहा है, इसीलिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.